हेलो एवरी वन टूडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट रिफ्रैक्शन एज वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड आर रिफ्लैक्शन इन द्रीवियस वीडियोज देखते हैं आप रिफ्रैक्शन होता क्या द बेंडिंग ऑफ ए लाइट वेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या जब लाइट बैंड होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो भी कैसे बैंड हो ऑब्लिकली ठीक है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन होना ठीक है रिफ्लैक्शन क्या था रिफ्रैक्शन में लाइट एक ही मीडियम में बैंड हो रहा था जैसे लाइट इस पे गया और रिफ्लेक्ट होकर के इस फर्स्ट मीडियम में ही रहा फर्स्ट मीडियम का कहने का मतलब है कि अगर सपोज एयर में ठीक है ये एयर में अगर हमने लाइट फॉल कराया इस सरफेस के ऊपर सरफेस के ऊपर फॉल कराया तो इसी एयर में लाइट वापस आ जाता है बट इस केस में ऐसा नहीं है क्या है इसमें लेट सपोज अगर ये एयर है और ये दूसरा क्या है ग्लास स्लैब ठीक है जब हम लाइट फॉल कराते हैं इसके सरफेस के ऊपर तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये यहां पे बैंड हो गया और किस बैंड होकर के कौन से मीडियम में चला गया ग्लास वाले मीडियम में तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन ठीक है कुछ टर्म्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सेम है जैसे कि जो सबसे पहले लाइट फॉल होती है सरफेस के ऊपर उसे हम इंसिडेंट रे ही बोलते हैं चाहे है वो रिफ्लेक्शन में हो या रिफ्रैक्शन में हो और इमेजनरी लाइन जो लेते हैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होता है उस इमेजनरी लाइन को क्या बोलते हैं नॉर्मल रे ठीक है एंड नॉर्मल रे इज़ परपेंडिकुलर टू दी गिवन सर्फेस एरिया ठीक है मतलब 90 डिग्री सरफेस के साथ बनाएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है उसी तरीके से रिफ्लेक्शन जो हो रहा था लास्ट केस में ठीक है उसकी जगह पे क्या है आप रिफ्रैक्शन क्योंकि ये सेकेंड मीडियम में आ गया ठीक और रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड में क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वो पॉइंट क्या था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां पर एंगल आई और एंगल आर क्या होता है इक्वल नहीं होता है क्यों क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा होता है इसलिए तो ये जो लाइट है बैंड हो रहा है दूसरे मीडियम में ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि जितना एंगल फॉ मतलब फॉल के वक्त में जितना एंगल था लेट सपोज अगर थर्टी डिग्री है ठीक है यहाँ पे तो ये फिक्स नहीं है कि वो थर्टी डिग्री ही नीचे बैंड करेगा ठीक है वो टेन भी कर सकता है वो ट्वेंटी भी कर सकता है थर्टी फोर्टी सिक्सटी भी कर सकता है ठीक है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल I इज नॉट इक्वल्स टू एंगल R बट रिफ्लेक्शन के, के केस में क्या था अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 बना रहा है ठीक है तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा नॉर्मल के साथ 30 ही बनाएगा ठीक है बट इसमें ऐसा नहीं है वहाँ पे एक ही मीडियम पे काम हो रहा था यहाँ पे क्या है दोनों मीडियम में काम हो रहा है अब ये ऐसा बनाता क्यों नहीं है एंगल आई और एंगल आर इक्वल क्यों नहीं होते ये इक्वल इसलिए नहीं होते बिकॉज ऑफ़ स्पीड ऑफ़ लाइट क्या होता है हर मीडियम में अलग अलग हो जाती है जैसे स्पीड ऑफ़ लाइट एयर के अंदर थ्री इंटू एट मीटर पर सेकेंड है मतलब एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा लाइट जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा या तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी अभी जैसे हमने ऊपर कंपेयर करा एयर को ग्लास स्लैब के साथ तो हमने क्या देखा कि लाइट क्या हो रहा है एयर से ग्लास लैब के अंदर आ रहा है ये देख रहे हो लाइट एयर से ग्लास लैब के अंदर आ रहा है तो ये क्या हो गया इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे बट ये बैंड हो गया इतना बैंड हो गया ठीक है तो ये इतना बैंड क्यों हुआ क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर क्या होता है कम होता है ठीक है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा स्पीड ऑफ लाइट कम होगा तो बैंड सबसे ज़्यादा होगा ठीक है बैंड जब से ज़्यादा होगा तो लाइट वेव्स ट्रेवल फास्टर इन एयर एयर के अंदर लाइट वेव्स ज़्यादा फास्ट करती है इन कंपेरिजन ऑफ ग्लास ठीक है नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे यहाँ पे हमने बीम ऑफ लाइट पास करी ठीक है इस ग्लास स्लैब के ऊपर बीम ऑफ लाइट में हमने वेव्स फॉर्म में पढ़ा हमने पढ़ा है वैसे लाइट डुबल नेचर शो करता है एक वेव प्रॉपर्टी शो करता है और एक पार्टिकल प्रॉपर्टी तो तुम रिफ्रैक्शन और रिफ्लैक्शन में वेव प्रॉपर्टीज के ऊपर ही काम करोगे ये पढ़ेंगे हम ठीक है पार्टिकल के ऊपर नहीं वो तुम्हें हायर क्लासेस में पता चलेगा तो वेव प्रॉपर्टीज में हमने ये वेव्स ले ली ठीक है ये सारी की सारी क्या है लाइन वेव सही है ठीक है अब तुम यहाँ पे देखो ये वेव्स ऐसे जा रही है आगे इन वेव्स में गैप भी सही है ठीक है और जैसे ही वो वेव्स इन ग्लास स्लैब के अंदर आती है तो यहाँ पे गैप क्या हो जाता है कम हो जाता है गैप कम क्यों हो जाता है क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है यहाँ पे कम हो जाती है ठीक है स्पीड कम हो जाएगी तो बैंड सबसे ज़्यादा होगा एक्चुअल में लाइट को कैसे जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था ठीक है बट लाइट बैंड होकर कि कितना मूव कर गया यहाँ पर मूव कर गया ठीक है ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ चला गया और ये वाला पार्ट यहाँ आ गया तो कितना बैंड हुआ है ठीक है अब देखो ये बैंड हुआ क्यों है लेट सपोज अगर मैं ये वाला वेव लेता हूँ ठीक है ये इसके नेक्स्ट वेव कौन सा है ये वाला इस वाले वेव में देखो इतना पार्ट इसके अंदर जा चुका है तो जो पार्ट सरफेस के ऊपर पहले गिरेगा मतलब कि वेव तो ऐसी होंगी ना ठीक है अब नीचे ये सरफेस है तो इस सरफेस को टच करके इतना पार्ट ठीक है तो ये वाला पार्ट जैसे इसको टच करेगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बैंड हो जाएगा ठीक है ये बैंड होते ही देखो यहाँ पे क्या कैसे स्लो हो गया बट ऊपर वाला पार्ट क्या अभी भी एयर के अंदर है तो ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है इन कंपेरिजन ऑफ ग्लास तो जो ग्लास में जैसे ही इसका थोड़ा सा पार्ट घुस गया वो क्या हो जाएगा बैंड हो जाएगा और स्लो हो जाएगा ठीक है अब ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा इसका एंड वाला पार्ट यहाँ पे पूरा आ गया इसके अंदर ठीक है अब ये आगे मूव करेगा ठीक है ये आगे मूव कर रहा है अब यहाँ पर आओ अब इसका निकलने का टाइम है तो निकलने के टाइम में क्या देख रहे हैं हम इसके नेक्स्ट वाला ये देख रहे हो यहाँ पे ये यह छोटा सा बाहर निकल गया है तो जो पार्ट बाहर निकल गया है उसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ग्लास के कंपेरिजन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा होगी तो यहां पे क्या हो जाता है वेव्स दूर दूर हो जाती है क्योंकि यहां पे स्पीड तेज हो जाती है इसलिए तो यहां पे तुम देख सकते हो कि लाइट यहां पे ज्यादा बैंड हुआ नहीं है ठीक है अगर लाइट यहाँ पे बैंड हो जाता ठीक तो ये वाला ये ये जो अभी गया एक्चुअल में ये है तो इसकी पोजीशन कैसी रहती यहाँ पे रहती ठीक है यहाँ पे रहती यहाँ पे बट ये बैंड हुआ नहीं है ठीक है ये बैंड हुआ नहीं है ठीक तो वही बैंड कहाँ पर होगा जहाँ पे स्पीड ऑफ़ लाइट कम होगी ठीक है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी मतलब कि वो चीज़ बैंड होगी क्लियर है ये चीज़ देखो दो तरीके के मीडियम होते हैं एक होता है रेयर मीडियम एक होता है डेंसर मीडियम रेयर मीडियम में क्या होता है कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है ठीक है इन कंपेरिजन ऑफ डेंसर मीडियम जैसे कि ये ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था ग्लास एंड एयर तो इन दोनों में से रेयर और डेंसर क्या तो देखो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में था एयर में था और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर क्या था कम था इन कंपेरिजन ऑफ एयर ठीक है अभी से ग्लास को किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर उस कंडीशन में दूसरा हो जाएगा ठीक है अभी हम इसको आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्लास के में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ एयर तो ग्लास क्या बन जाएगा यहाँ पे डेंसर मीडियम और एयर क्या बन जाएगा यहाँ पे रेयर मीडियम ठीक है लेट सपोज अगर मैंने ग्लास और डायमंड लिया होता ठीक है कि लाइट ग्लास से डायमंड में पास हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है ये देख लो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का ज्यादा होगा इन कंपैरिज़न ऑफ डायमंड और स्पीड ऑफ डायमंड क्या क्या होगा कम होगा कम ठीक है इसलिए डायमंड हो जाएगा यहां और ग्लास क्या हो जाएगा यहां पे रेयर मीडियम इसलिए मैंने बोला रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम फिक्स नहीं होता रेयर और डेंसर मीडियम कैसे चेंज होते रहता है उसके कंपेरिजन में क्या है अगर कंपेरिजन में उसके ज्यादा हुआ तो वो खुद डेंसर बन जाएगा जैसे कि एयर में क्या था स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा था तो ग्लास डेंसर बन गया था बट इन कंपेरिजन में अगर स्पीड ऑफ लाइट दूसरे वाले की कम हुई तो खुद क्या बन जाएगा रेयर मीडियम और दूसरा क्या बन जाता है डेंसर मीडियम ठीक है अब क्या होता है जब लाइट रेयर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेयर जाए ठीक है तो याद रखना जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या हो जाता है बैंड हो जाता है ठीक है आर बी डी ऐसे और जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो क्या हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये क्या हो जाता है बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल की तरफ आ जाता है वो देखो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाए जब लाइट रेयर टू डेंसर जाए तो क्या हो जाएगा वो बैंड हो जाएगा ठीक है बैंड हो जाएगा टूअर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है वन लाइट गोज़ फ्राम डेंसर टू रेयर इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे फ्राम द नॉर्मल नॉर्मल से दूर भाग जाएगा जैसे ऊपर वाले केस में क्या था यहाँ पर एयर था और ये ग्लास है तो एयर क्या है यहाँ पर रेयर मीडियम ये क्या है यहाँ पर डेंसर मीडियम इसलिए जब तुम देख रहे हो यहाँ पर यहाँ पर लाइट क्या है बैंड हो गया ठीक है किस तरफ बैंड हो गया नॉर्मल की तरफ लट सपोज अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया होता ठीक है दोनों तरफ यहाँ पे मैं नॉर्मल बना देता हूँ ठीक लाइट को जाना कैसे चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था बट ये बैंड किस तरफ हो गया नॉर्मल की तरफ देख रहे हो ये नॉर्मल की तरफ कितना आ गया है ना और इसको भी कहाँ जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था बट ये बैंड कहाँ हो गया नॉर्मल की तरफ ठीक तो वन लाइट गोज़ फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा अब देखो इस वाले केस में वैन लाइट गोज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयर अब यहाँ पे क्या हो रहा है डेंसर से रेयर में आ रहा है लाइट ठीक है लाइट का डायरेक्शन ऐसे ही है डेंसर से रेयर में आ रहा है यहाँ पर मैंने नॉर्मल खींच दिया ठीक है जाना कैसे चाहिए था इसको बैंड होना चाहिए था बट ये बैंड नहीं हुआ ये क्या हो गया अवे देखो होना ऐसे चाहिए था ना इसको ऐसे करके इस तरफ भी देखो इसका ओरिजिनल इस तरफ आएगा और इसका ओरिजिनल इस तरफ आएगा बट ये क्या हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखो ये दूर चला गया ओरिजिनली इसका पाथ कहाँ है ये ठीक है तो ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने ऐसा बताया है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ भागता है ठीक है नॉर्मल की तरफ भाग गया और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो ये नॉर्मल से दूर चले जाता है ठीक है और ये डेंसर और रेयर मीडियम फिक्स नहीं होता ठीक वो देखते हैं कि कंपेरिजन में क्या दे रखा है तो देखो यहाँ पे पहला है ये जब लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रहा है ठीक है तो एयर एयर इज दी रेयर मीडियम एंड ग्लास इज दी डेंसर तो आर टू डी जा रहा है ठीक है तो क्या आ जाएगा बीच में बैंड आर बी डी ठीक और नेक्स्ट क्या है जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो बीच में क्या आ जाएगा डी ए आर डर ठीक है ऐसे याद रखना ये डर डर का मतलब डेंसर टू रेयर एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इसका कैसे याद रखोगे आर बी डी ठीक है जैसे आर बी सी सेल्स होते हैं आर बी सी की जगह पे याद रखना आर बी एंड डी रेयर टू डेंसर एंड बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल ठीक है ऐसे तुम्हें याद रहेगा ये चीज इसके बाद क्या आता है कुछ टर्म्स है इनके अंदर ठीक है जैसे जब लाइट पास हो रही होती है स्लैब से देखो पहली रे इंसिडेंट रे फिर उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रेक् रिफ्रैक्शन ठीक है फिर उसके बाद अब ये रिफ्रैक्टेड रे फिर से पास होंगी यहाँ पे तो रुक, स्टॉप नहीं हो जाएंगी वो ठीक है वो आगे भी पास हो जाएगी ठीक तो जब ये आगे पास होगी तो इस वाले लाइन को हम बोलते हैं इमरजेंट रे एन इमरजेंट रे मेड एंगल विथ नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस ठीक है क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस ठीक है देखो जाना कैसे चाहिए था इंसीडेंट रे को ऑरिजिनली ऐसे ये जो दिखा रखा है ठीक है ऐसा जाना चाहिए था बट ऑरिजिनल पाथ क्या है मतलब कि आ, ऐसा होना चाहिए था उसको लेकिन जो हमने देखा ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि ये ऐसा है ठीक है तो तुम देख रहे हो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है पैरल है ठीक है तो हम कह सकते हैं इमरजेंट रे इज़ पैरल टू इंसिडेंट रे ये कह सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ पैरल एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस ठीक है parallel, ये याद रखना ये वन मार्क्स में पूछ लेता है एम के कि क्या इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना रिफ्रैक्शन नॉट अ रिफ्लेक्शन ये रिफ्रैक्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है हाँ हो सकता है ठीक है उसके बाद इसका डिस्टेंस और इमर्जेंट रे का जो डिस्टेंस होता है ठीक है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये याद रखना लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसके बाद यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है ये क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी ठीक है ये आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी क्लियर क्यों इक्वल होंगी क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में पैरल है पैरल के बीच में ये ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी तो तुम्हें याद क्या रखना है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एमरजेंट द ओरिजिनली रे एंड इंसिडेंट रे इज पैर टू एमरजेंट रे बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस इज इज टू एंगल एंगल ठीक है एंड आई नॉट इक्वल टू एंगल आर ये चीज तुम्हें तो याद रखना है इसके बाद आता है जब उसी बीम ऑफ लाइट को हम ग्लास स्लैब पे परपेंडिकुलरली डाले ठीक है वो तो हमने ग्लास स्लैब के ऊपर बीम ऑफ लाइट क्या डाला था किसी एंगल से डाला था जहाँ पे वेव्स ऐसे जा रही थी ठीक है अब इसी को हम 90 डिग्री पे डालें मतलब कि नॉर्मल की तरह डालें जैसे प्लेन मिरर में हमने क्या किया था नॉर्मल डाला था ठीक है तो आ, लाइट क्या हो गई थी रीट्रेस कर लिया था उसने अपने पाथ को यहाँ पे तो रीट्रेस वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि एक ही मीडियम में काम नहीं होता यहाँ पे दो मीडियम में काम होता है तो दो मीडियम में तो काम होगा बट काम कैसे होगा बैंड नहीं होगा यहाँ पे सीधा गया और बैंड बिल्कुल नहीं हो रहा है ये देख रहे हो तुम तो, ठीक है बट एक चीज़ होगी यहाँ पे बैंड नहीं होगा तो स्पीड ऑफ़ लाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर यहाँ पे ज़्यादा होगा यहाँ पे कम फिर ये पास होगा बाहर निकलेगा तो यहाँ पे फिर से ज़्यादा हो जाएगा ठीक है बट ये ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ़ लाइट जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा या तो कम हो सकता है या ज़्यादा तो यहाँ पे एयर और ग्लास का कंपेरिज़न कर रहे हैं तो ग्लास में डेफिनेटली कम होगा ठीक है इसलिए यहां पे वेव्स क्या है पास पास बनाइए और बाहर क्या है वेव्स दूर दूर बनाइए क्यों क्योंकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है तेज है ठीक है इसलिए वेव्स जल्दी जल्दी पास हो गए यहाँ पे और अंदर धीरे धीरे हो रही है अब ये रिफ्रैक्शन का इफेक्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिल सकता है तो ये देखो ये कभी कभी दो या तीन मार्क का आ जाता है ठीक है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम करके तो तुम्हें देखते हो पानी में बहुत चीजें ऐसे पड़ी रहती है या फिर तुम इस ट्रोन ले लो या प्लांट्स ले लो एक्वेटिक प्लांट्स वो तुम्हें क्या दिखाई दे रही होती है कि वो ऊपर की तरफ ही फ्लोट कर रही है बट एक्चुअल में होता नहीं है क्यों नहीं होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है लेट सपोज ये ब्रेक अंदर पड़ा हुआ है इसकी हाइट है नीचे तक फोर मीटर पे ठीक है लेकिन तुम्हें ये दिखाई देगा समवेयर अराउंड थ्री मीटर या टू मीटर इतना दिख जाएगा ठीक है लेकिन ये एक्चुअल पोजिशन ये होता नहीं है ठीक है ये एक्चुअल पोजिशन नहीं है एक्चुअल पोजिशन यही है इसका ठीक है ये लाइट यहाँ से आ रही है यहाँ पे क्या है ये नॉर्मल है तो हम जानते हैं वाटर और यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है एयर का तो स्पीड ऑफ वाटर इज लेस देन मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो वाटर तो, क्या बन जाएगा यहाँ पे डेंसर मीडियम और ऊपर क्या बन जाएगा रेयर तो हमने क्या पढ़ा था डी आर के बीच में क्या आएगा डर ठीक है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो नॉर्मल से क्या हो जाएंगी ये दूर चली जाएंगी दूर चली गई दूर चली गई फिर तुम देखोगे इसको तुम्हारे में अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ठीक है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इमेज कहां बनेगी यहां पे बनेगी ठीक है और ये कैसी इमेज बनेगी एक वर्चुअल इमेज बनेगी ठीक है तुमने देखा यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कौन सा इमेज करते हैं हम वर्चुअल इमेजेस ठीक है उसी तरीके से तो तुम्हें ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अगर कोई चीज पेन हो गया स्टिक हो गया तुम पानी के अंदर डालते हो तो तुम्हें वो बेंट हुआ दिखाई देता है ठीक है आधा मतलब ऐसा लगेगा कि बीच में से टूट गया बट एक्चुअल में होता नहीं है बाहर निकाल देखोगे तो सीधा ही रहता है लेकिन जैसे ही पानी में डाल दोगे तो तुम्हें दिखाई देगा आधा टूट गया होता क्या है सेम यहाँ पे लाइट नीचे से आया वाटर क्या है यहाँ पे डेंसर मीडियम और एयर क्या है यहाँ पे रियर तो डी और आर के बीच में क्या आता है डर ठीक है तो डर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल से क्या हो जाएगा ये दूर हो जाएगा दूर हो गया ये नॉर्मल से दूर हमने देखा इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इमेज कहाँ बनी यहां पर ठीक है तो हमें ये दिखाई देगा यहाँ से ये बेंट हो गया ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हें जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में तुम गए होंगे या फिर पौंड वगैरह में तो तुमने देखा होगा कि एक्चुअल में डेप्थ उसका ज़्यादा होता है लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा होता है कि वो डेप्थ कम है ठीक है ये किस वजह से होता है ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्यों होता है रिफ्रैक्शन की वजह से ये देख लो लेट सपोज उसका एक्चुअल हाइट डेप्थ उसका एक्चुअल डेप्थ ये है ठीक है ये एक्चुअल डेप्थ है यहाँ से लाइट आ रही है ठीक है ये क्या है यहाँ पे नॉर्मल रे ठीक हम जानते हैं वेन लाइट गोज फ्राम डेंसर टू रेयर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल डर ठीक है ये नॉर्मल से दूर चला गया ठीक है नॉर्मल से दूर चला गया और तुमने देखा फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इसकी इमेज कहाँ बनेगी यहाँ पर तो तुम्हें इसका हाइट मतलब ये नीचे बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो तुम्हें लगेगा ये तो स्विमिंग पूल सिर्फ टू मीटर ही डेप्थ है तो इसमें तो मैं इजिली नहा सकता हूँ या स्विम कर सकता हूँ बट एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं डूबने के ठीक है इसलिए देखने पे भरोसा मत करना ठीक है कभी स्विमिंग पूल वगैरह पे जाओ तो जहां पे वहां पे लिखा रहता है मैंशन कि ये पाँच मीटर है और ये पांच मीटर से पाँच फिट से ज्यादा है सॉरी पाँच मीटर नहीं पाँच फीट से ज्यादा है।, है ऐसा करके लिखा रहेगा ठीक है तो देखने से पता नहीं चलेगा वहाँ पे ठीक इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन जैसे आया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसी तरीके से है लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन इसमें पहला लॉ और रिफ्लेक्शन का रिफ्लैक्शन का सेम है बट रिफ्रैक्टेड आ गया यहाँ पे और वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया क्या है पहला लॉ सेम दोनों में देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्शन की जगह पे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन ये मैंने वहाँ पे भी बोला था सारे के सारे एक ही प्लेन के ऊपर गिर रहे हैं ये देखो एक ही प्लेन पे एक ही प्लेन पे ठीक है मीडियम नहीं बोल रहे सेकेंड क्या Second है द द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ ऑफ एंगल इंसिडेंस ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन एंगल टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है साइन एंगल द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट ठीक है क्या होता है कॉन्स्टेंट ठीक और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ठीक बट आई क्या होना चाहिए आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन नाइन्टी डिग्री तभी ये ट्रू होगा ठीक है ये याद रखना एक मार्क्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि आई को क्या होना चाहिए ठीक है इसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैंने लास्ट टाइम तो मैं बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी रोल है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट में ठीक है क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये देख लो जो कॉन्स्टेंट है साइन आई अपॉन मतलब स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई साइन आर कॉन्स्टेंट होता है ठीक है अगर उसकी कोई वैल्यू आए जब लाइट को हम पास करें एक मीडियम से दूसरे मीडियम उस वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या डेफिनेशन लिखोगे द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इन टू ए पर्टिकुलर मीडियम जब एयर से किसी मीडियम में पास करे और जो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू आए उसे हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वान्टजी क्वान्टिटीज इट हैज नो यूनिट्स एन की कोई यूनिट यहाँ नहीं होती है कोई अगर पूछेगा वट इज द एस यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तुम क्या लिखोगे यूनिट लेस क्यों क्योंकि साइन ऑफ आई मतलब डिग्री में ही होगा और साइन ऑफ आर ये भी डिग्री 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 कैंसिल आउट यूनिट लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम गिव्स अ इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता क्या कि किसी मीडियम की एबिलिटी कि कितना उसके अंदर लाइट बैंड हो जाएगा जैसे मैंने बोला था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है ठीक है तो वहां पे बेंडिंग कम होगी ठीक है तो इसके लिए तो तुम्हें रिफ्रे स्पीड ऑफ लाइट भी पता होना चाहिए पहले मीडियम का और सेकेंड मीडियम का भी ठीक है बट अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से ये भी याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन से किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अनदर मीडियम तो क्या होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा और बेंडिंग क्या हो जाएगी उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी ये याद रखना किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और बेंडिंग क्या हो जाएगा ज़्यादा इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ठीक है इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ठीक है इस वजह से स्पीड ऑफ ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड बैंडिंग ऑफ लाइट इन ग्लास इज ग्रेटर दैन बैंडिंग ऑफ लाइट इन एयर ठीक है तो आई होप तुम्हें तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है कम हो जाती है उसमें और बैंडिंग क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो रीज़न अब समझ में आ गया वो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल समझा रहा था मैं बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब साइन आई अपॉन साइन आर की वजह से ठीक है कुछ आ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब कंपेयर किया जाता है एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ तो कैसे हम डिनोट करते हैं ठीक है ये देख लो यहाँ पे मीडियम वन है और मीडियम टू है ये लाइट कहाँ से जा रहा है मीडियम वन टू मीडियम टू ठीक है लाइट कैसे पास हो रहा है मीडियम एक पे फॉल हो रहा है और मीडियम टू में बैंड हो गया तो कैसे पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन वन के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू की वैल्यू क्या आएगी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट टू आया ये वाली चीज तुम्हारे बुक में कैसी लिखी है ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन टू तो तुम ये भी लिख सकते हो ये भी ठीक है और ये भी लिखोगे तो ये भी ठीक है एक्चुअली मैंने वन इसको पहले इसलिए दिया है क्योंकि इससे तुम्हें तो याद रहे कि स्पीड ऑफ लाइट वन वाले का पहले लिखना है ठीक है इसको सही से लिखोगे मतलब ये ये तो इस टर्म में कभी कभी ऐसे लिख देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एयर ठीक है तो अब इसको कैसे लिखोगे तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है तो इसको कैसे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ठीक है इसी चीज को अगर तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ठीक है अब इससे पता क्या चल रहा है तो देखो इसको देखते ही मेरे को पता चल जाता है कि लाइट कहां से कहां पास हो रहा है ठीक है जैसे कि इस मीडियम टू में मीडियम वन से मीडियम टू में आ रहा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन ठीक अब यही लाइट अगर ऐसे करके जाए उल्टा जाए ऐसे करके जाए तो क्या होगा ये देखो चेंज हो जाएगा सडनली ठीक है अगला एग्जाम्पल वैसे ही है ठीक यहाँ पे क्या हो रहा है लाइट अब मीडियम टू से मीडियम वन में जा रहा है ठीक है तो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन्ट में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन तो ये भी लिख सकते हो तुम तो और ये भी लिख सकते हो ये ज़्यादा ईजी पड़ता है लिखना क्यों क्योंकि हमें पढ़ना कैसे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू ठीक है तो टू वाला सॉरी यहाँ पे टू आएगा ऊपर और यहाँ पे मीडियम वन नीचे ठीक है तो टू वाला ऊपर और वन वाला नीचे ठीक है तो आई होप तुम्हें एक चीज क्लियर हो गया होगा एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं लेट सपोज यहाँ पे तीन मीडियम ले, ले लेते हैं हम ठीक है ये तीन मीडियम ले लिया मैंने ठीक ये ले लिया यहाँ पे मैंने एयर ये ले लिया ग्लास और ये ले लिया ऑयल ठीक लाइट कैसे पास हो रहा है ग्लास टू ऑयल ठीक और यहाँ पे लाइट कैसे पास हो रहा है ये देख लो तुम पहले ऑयल से ग्लास फिर यहाँ से एयर ठीक है तो यहाँ पे तीन जगह पे हो रहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम है ए इस वाले पॉइंट का नाम है बी और इस वाले पॉइंट का नाम है सी अब इन तीनों पॉइंट पे मेरे को लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करना है ठीक है तो ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं कैसे शो कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ए ए पे दिखा रहा हूँ मैं ठीक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल ऐसे भी लिख सकते हो तो, तुम और इसका दूसरा कैसा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉइन में ऑयल ठीक है तो ये तुम्हारी बुक में ऐसे मैंशन है ये बुक है और ये मैंने करवाया है ठीक है तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है बी वाले पॉइंट पर कैसे लिखना है तो लाइट कैसे जा रहा है ऑयल टू ग्लास जा रहा है ऑयल टू ग्लास और हमेशा याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के बीच में होगा तीनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे दो मीडियम पहले ऑयल ग्लास फिर ग्लास ही या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और दूसरा क्या और करके क्या लिखोगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास सी पॉइंट के लिए क्या लिखना है लाइट कैसे जा रहे हैं ग्लास टू एयर जा रहे हैं ग्लास टू एयर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और करके क्या लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ठीक है आई so, होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होंगी ठीक इनको पढ़ा कैसे जाता है ठीक है इन सबको पढ़ा कैसे जाता Next है नेक्स्ट देखते हैं यह तो बात होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी दो पार्ट हैं क्या क्या है एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है डिफरेंस दोनों में देखो एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम एयर और वैक्यूम को एक ही जैसे कंसीडर किया जाता है वैसे है नहीं एक्चुअल में एक जैसा बट यहाँ पे इस चैप्टर में एक ही जैसा कंसीडर करेंगे इसलिए यहाँ पे बोला है कि वैक्यूम और एयर को छोड़ करके जब कभी भी हम दो मीडियम को कंपेयर करें या तो वाटर या ग्लास को करें या फिर ग्लास वाटर को करें या फिर ग्लास डायमंड को करें या फिर डायमंड वाटर को करें या फिर वाटर ऑयल को करें या ऑयल वाटर को करें ठीक है यहाँ पे तुमने देखा एक जगह भी मैंने एयर नहीं बोला या फिर वैक्यूम नहीं बोला तो जब एयर और वैक्यूम को छोड़ करके कभी भी हम कंपेरिजन करते हैं तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे वेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स

रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हो गया इसका ठीक है अब मेरे को यहाँ पे लिखना है ठीक तो यहाँ पे क्या लिखूंगा लाइट कैसे जा रहा है ग्लास टू वैक्यूम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या फिर एयर ठीक है एयर ही लिख देता हूँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विध रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ठीक है ये चीज है बट डेफिनेशन ने क्या बोला था डेफिनेशन ने बोला था हम दूसरे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट में यहां पे ऐसा नहीं है यहाँ पे एयर ही का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास की जगह पे हमेशा क्या होना चाहिए एयर तभी हम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि इस केस में इस केस में क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम होना चाहिए और बाकी यहाँ पे ग्लास हो ऑयल हो डायमंड हो वाटर हो कुछ भी हो चलेगा बट ये विथ रिस्पेक्ट टू के बाद एयर होना चाहिए इट मीन्स कि लाइट हमेशा एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाना चाहिए ना कि दूसरे मीडियम से एयर में जाना चाहिए क्योंकि तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या फिर एयर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम यहाँ पे अनदर मीडियम हो जाएगा और अनदर मीडियम नहीं चाहिए डेफिनेशन देख लो मैनो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम जब लाइट वैक्यूम से या फिर एयर से दूसरे मीडियम में जाए देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक बात और याद कर लो जब ऐसा केस हो कि लाइट वैक्यूम या एयर से किसी मीडियम में जा रहा है तो वहाँ पे हम ए मेंशन नहीं करते तो मैंने तुमने देखा होगा यहाँ पे पहले डायग्राम में मैंने ए मेंशन नहीं कर रखा था क्यों नहीं कर रखा था क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि लाइट कहाँ से कहाँ आ रहा है एयर से ग्लास में आ रहा है या वैक्यूम से ग्लास में आ रहा है ठीक है ये चीज तो कैसे लिखोगे यहाँ पे एन करके छोड़ दोगे और वी के भी छोड़ दोगे और यहाँ पे वी जी लिख दोगे तो ये भी अंडरस्टूड है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोल रहा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव uh, इंडेक्स के साथ कंपेयर करने के लिए बोल रहा है एयर के साथ मर्जी है लिखना है लिख दो गलत भी नहीं हो सकता और सही तो हो गई ठीक नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है बहुत सारे मटीरियल्स के अंदर ये एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं ठीक है कि वैल्यू क्या होगी वाटर uh, में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या फिर एयर में क्या होगी वाटर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फिर कैरोसिन ऑयल डायमंड डायमंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबका और ग्लास ये पूछा जाता है तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है डायमंड का तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा कम और बैंडिंग क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे एक लाइन लिखी है इस लाइन में क्या है मैंशन ही देखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट प्रोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी मतलब कि जो डेंसर मीडियम है डेंसर मीडियम जिसका रिफ्क्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास मास ज्यादा होगा ठीक है वो भारी होगा ये नहीं जैसे कि एग्जाम्पल लिया इन्होंने कैरोसिन और वाटर के बीच में कैरोसिन तुम जानते हो कैरोसिन वाटर के ऊपर क्या कर रहा होता है फ्लोट कर रहा होता है ठीक है जैसे इसके अंदर वाटर है तुम्हें कैरोसिन ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाए कैरोसिन इस दी मिट्टी तेल सुना ही होगा तुमने तो कैरोसिन ऊपर फ्लोट कर रहा होता है बट वाटर कहाँ यहाँ पे ये है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वन पॉइंट थ्री थ्री और इस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वन पॉइंट फोर फोर तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के बाद भी इसका मास क्या है कम है तो वही बोलना चाहता है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का ये मतलब नहीं है कि भारी है डेंसर मतलब भारी तो उसका मास भी ज़्यादा होगा नहीं मास ज़्यादा नहीं है उसका मास क्या है वो हल्का है इवन दो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज़्यादा हो ठीक है तो ऑयल का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा निकला बट मास क्या है यहाँ पे कम है और ये जितने भी यहाँ पे मटेरियल पड़े सबका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है एब्सोल्यूट मतलब सबको किसके साथ विथ रिस्पेक्ट टू तो किसके साथ किया गया है एयर के साथ ठीक है मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉइल्ट विथ रिस्पेक्ट टू तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विथ रिस्पेक्ट टू एयर ठीक है तो सबको ऐसे ही पढ़ना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी बी रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्कटिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिस्पेक्ट टू एयर तो ऐसे एन डीवल टू बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड तो ये सी की वैल्यू कितनी होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर पढ़ा था हमने और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज टू पॉइंट फोर टू इक्व टू थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ये हो गया वी डी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर टू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस है इसलिए इसमें कहीं भी यूनिट नहीं है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डायमंडजीली निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो ठीक है उस मटेरियल का विथ रिस्पेक्ट टू एयर तब और ये सी की वैल्यू तो सबको पता होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर पर सेकेंड तो उस तरीके से तुम स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में निकाल सकते हो अगर उसका तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पे इफ एनी टू मीडिया और ऑप्टिकली एग्जैक्टली द सेम अगर दो मीडिया का मीडिया का ऑप्टिकली सेम है ठीक है मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है तो वहां पे बेंडिंग नहीं होता है नो बेंडिंग अकर्स वेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ठीक है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करे लेकिन वो दोनों मीडियम क्या होना चाहिए ऑप्टिकली सेम या तो ऑप्टिकली रेयर होना चाहिए या ऑप्टिकली डेंसर होना चाहिए ठीक है तो वहां पे लाइट बेंड होना ही नहीं ठीक है नेक्स्ट एक इक्वेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू ये तुम डेरिवेशन ट्वेल्थ क्लास में भी सीखोगे वापस ठीक है कैसे है मैं करके दिखा देता हूँ जब लाइट या इसका मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन कि लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रहा है वन टू टू वन टू टू तो ये वन से लाइट टू में जा रही है ठीक है वन से लाइट टू में जा रही है यहाँ पे क्या लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विध रिस्पेक्ट टू वनवल अपॉइन में टू यहाँ पे लाइट कहाँ से कहा जा रही है मीडियम टू से मीडियम वन में तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू टू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन टू अपॉइन में वन इन दोनों को क्या कर दिया हमने ये देखो सेकंड वाले का हमने रेसिप्रोकल कर दिया रेसिप्रोकल का मतलब क्या अगर कोई फोर लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल वन बाई फोर वन के नीचे उस वैल्यू लिख दो रेसिप्रोकल मतलब नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना वन बाई करके ठीक है उसी तरीके से हमने कर दिया वन अपॉन में ये सेकेंड uh, वाला इक्वेशन टू ये वन अपॉन में वी टू अपन में वी वन तो ये वी वन ऊपर चला जाएगा वी वन अपॉन वी टू प्लस टू वन अपॉइन टू एंड वन अभी ये देखो ये किसकी तरह तुम्हें दिखाई दे रहा है वन ऑफ वन में वी टू ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो क्या हो गया वन अपॉन टू एन वन इक्वल टू वन अपन इक्वल टू वन एन टू ये जब लाइट uh, और मीडियम टू से मीडियम पूछे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वन बाई करके हो जाता है बस ठीक है आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होंगी रामयोमेंटरिंग मेकअर ऑन यूट्यूब एंड गेट फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन और नोट्स